हेलो दोस्तों, इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के हाथों इंतहाई बुरी शिकस्त के बाद ट्विटर पर लोगों के मुख्तलिफ किस्म की पोस्टों के ट्रेंड नज़र आए। कहीं पे लिखा था थैंक यू फॉर योर मेमोरीज, और कहीं पे मुख्तलिफ इंडियन अदाकारों के मुख्तलिफ फिल्मों के तस्वीरें लगाई गई, जिसमें हल्के फुल्के अंदाज में काफ़ी तनकीद की गई इंडियन क्रिकेट टीम पर। जी हाँ, इंतहाई बुरी शिकस्त। 36 रन पर इंडिया की पूरी टीम आउट हो गई। क्या ये वही इंडिया की क्रिकेट टीम है जो कि अपने आप में एक सानी नहीं रखती और इंतहाई शानदार कारकर्दगी की हामी है? यहाँ पे उन खिलाड़ियों की फ़ोटो भी गर्दिश हुई, जैसे कि रोहित शर्मा, रोहित शर्मा की पोस्ट अक्सर अक्सर तस्वीरें वायरल हुई। मुख्तलिफ इंडियन फिल्मों के मुख्तलिफ डायलॉग यहाँ पे लाए गए। जल्दी बॉल डाल, अभी पवेलियन जाना है। दम से वक्त बदल दिया, जल्दी से बदल दिया, ज़िंदगी बदल दी, वगैरह वगैरह। इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हमें देखने में नज़र आई। कहीं पे लिखा था साला बॉल फेंक रहा है कि बम फेंक रहा है। इस तरह की हमें मुख्तलिफ किस्म के डायलॉग्स नज़र आए, मुख्तलिफ किस्म के हीरोज़ और विलन्स के डायलॉग, जैसा कि हमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता जैसे डायलॉग हमें नज़र आए। यानी कि ट्विटर पर एक मेला सा लगा हुआ है इस मैच के बाद। लोग यकीनन हैरान भी हैं, परेशान भी हैं कि इंडिया से ऐसी कारकर्दगी की उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं पे पंत, गिल, रोहित शर्मा और केएल राहुल को दिखाया गया, हंसते हुए दिखाया गया है। यकीनन जो लोग इस मैच से बाहर होंगे वो अपनी जान बचाने पर हंस रहे होंगे। कहीं पे तस्वीर में फादर और बेटे को मेंशन किया गया है। जी हाँ, फादर के तौर पर शर्मा और बेटे के तौर पर कोहली को, ठीक है ना, और प्रॉब्लम्स को जाहिर किया गया है। कहीं पे इंडिया की किसी फिल्म का ऐसा सीन जिसमें खुद विलन बल्ले से किसी को मार रहा है, कहा गया है कि किधर है ये खिलाड़ी, इसको लाया जाए, अब इसको लाया जाए ताकि ये खेलेगा अच्छी तरीके से। इसके अलावा कहीं पे नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई गई है, साला बोल रहा है एक बार स्कॉट मॉरिसन को कॉल तो लगाइए, मैच जीत सकते हैं अभी भी। मतलब इस तरह की सियासी और फिल्मी तनकीद से ट्विटर अब बोल उठा है। ट्विटर पे जगह जगह हमें ऐसी पोस्टें नज़र आ रही हैं रंग बिरंगी। भाई ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गए। जी हाँ, इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के अंदाज में जिंदा दिलाने हिंदुस्तान के रहने वालों ने मुख्तलिफ किस्म की पोस्टें लगाई हैं। कहीं पे पुरानी तस्वीरें शेयर की गई हैं, कहीं पे सर चिपकाए गए हैं, कहीं पे बैठ के विलन बैठ के मैदान में तमाशा देखता नज़र आया है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा तनकीद मौजूदा टीम के कोच रवि शास्त्री पर हो रही है। जी हाँ, उन्हें बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है और उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उनको वोडिका पीते हुए दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हमें इस तरह के कोच की ज़रूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में क्रिकेट को भगवान का दर्जा रखती है, और जब इस तरह की परफॉर्मेंस पेश होती है तो लोगों के जज्बात को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है, और जब लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचती है तो फिर वो इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की हरकतें करते नज़र आते हैं। जी हाँ, बहुत बुरी सूरत हाल, इतना बुरा मैच कि जो किसी ख्वाब की मानिंद नज़र आता है। क्या ये वही इंडिया की टीम है कि जो 36 पे आउट हो चुकी है, यानी कि तारीख के इंतहाई बुरे तरीन स्कोर पर? जी हाँ, बहुत इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी हमें नज़र आई आज, जब इंडिया की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 36 रन बना सकी। कल इंडिया ने जब मैच ख़त्म हुआ था, 9 के स्कोर पर एक खिलाड़ी आउट था। इट मींस कि टोटल 25 स्कोरों का इजाफा हुआ, और पूरी टीम में कोई एक माइकल लाल ऐसा नहीं था जिसने जो डबल फिगर में दाखिल हुआ हो, यानी कि हाईएस्ट स्कोर 9 था। तो ये इंतहाई एक तारीखी शिकस्त थी जिसके जख्म काफ़ी अरसे तक क्रिकेट में नज़र आएंगे, और शायद क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों पर भी इनके फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि लोग बहुत मोहब्बत करते हैं क्रिकेटर से। तो जब क्रिकेटर्स बुरा प्रदर्शन पेश करते हैं तो फिर उनसे उनके बारे में बात भी की जाती है, उनके बारे में गुस्सा भी दिखाया जाता है। बेशक हम इन खिलाड़ियों के साथ हैं,
लेकिन परफॉर्मेंस को रिव्यू करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।